हाँ जी गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और ये है संडे की मॉर्निंग, तो बस स्कूल की आज छुट्टी है, तो बस ये सवेरे सवेरे उठ के मॉर्निंग में जो है ना ये चाय नाश्ता बन रहा है। और आज जो है ना, वैसे तो चाय मैंने छोड़ी हुई है लेकिन थोड़ा थोड़ा बस आज मन हुआ चाय का, अदरक वाली चाय पीने का, तो मैंने जो है ना अपने लिए और इंशा के लिए मतलब मैंने ना चाय आज बना ली और ये अंडा और ब्रेड बच्चों के लिए इस तरीके से बना लिया। क्योंकि चाय क्या है कि अभी कुछ महीनों से छोड़ी हुई है लेकिन बस आज बस आ गई मन में कि मैं जो है ना चाय थोड़ी सी आज पीऊँ। तो थोड़ी सी तो क्या, खैर पूरा कप मैंने भर के अपने लिए बनाई और बस चाय नाश्ता किया। और यहाँ उसी के साथ मैंने लगा ली थी वॉशिंग और कपड़े जो है ना धुल गए थे, मतलब मैंने कपड़े धोने वाली क्लिप ऐड नहीं की इसमें और ना जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े धो लिए थे। हवा देखिए बहुत अच्छी चल रही है और मौसम भी खैर आज बहुत अच्छा था। ये कुछ कपड़े मेरे गिर गए, छत वैसे गंदी नहीं है, वो झाड़ू लगा हुआ नहीं है, बाकी छत जो है ना गंदी बिल्कुल वैसे नहीं है। और ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ना, ये इंशा छोटी थी तब की, इंशा की ये साइकिल है, वहाँ उधर खड़ी कर दी, अब तो खैर इंशा बड़ी हो गई है। और बस है ना चाय नाश्ता करके मैं सीधे कपड़े धोने लगी थी और किचन की हालत आप देख सकते हैं कितनी, मतलब मैं क्या बताऊँ, कितनी मेसी सी हो रही है ना सारे बर्तन वगैरह, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी किचन, मैंने कहा पहले मैं जो है धूप आ रही है तो कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद जो है मैंने किचन को क्लीन कर ली। और काश जो है ना लाइफ में भी सब कुछ पलक झपकते ही ऐसे हो जाता ऐसे नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकली सब कुछ जो है ना सारा काम करना पड़ता है। उसके बाद किचन का करके झाड़ू पोछा सारे घर का करके जो है मैं यहाँ नहा ली थी, क्योंकि आज जो है 11वीं शरीफ की नियाज है मेरी मम्मी के घर, तो बस हम वहीं जा रहे हैं रेडी होकर के। और ये आज मैंने पिंक और ब्लैक जो है ना सूट पहना था। तो चलिए जी, मैं आ गई ही मम्मी के घर और मैंने आज रास्ते की भी कोई शूट नहीं की, वही रास्ता सेम होता है जो मेरे हर ब्लॉग में होता है। तो बच्चे देखिए यहाँ कितनी, मतलब एक मोबाइल के अंदर जो है ना चारों बच्चे जो है लगे पड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ जब मैं मम्मी के घर आई तो है ना मेरी छोटी वाली सिस्टर खैर वो नाइट में आ गई थी, है ना सोना जिसका नाम है, आप सब अब तो जानते हैं, मेरी फैमिली से सारे लोग जो है ना वाकिफ हैं। तो वो मेरी छोटी वाली भाभी और जो मेरी सिस्टर है ना छोटी वाली, वो मार्केट जो है गई हुई थी, कुछ उनको काम था तो यहाँ आकर के, और जो बड़ी वाली भाभी थी उन्होंने सारा, मतलब ये जो होता है ना बिरयानी आज बनेगी शाम में, तो उसका सारा उन्होंने कर रखा था। तो यहाँ मैं आ गई आकर चाय पानी नाश्ता जो भी मैंने करा, मम्मी से बातें करी थोड़ी बहुत, उसके बाद जो है फिर ये बिरयानी के चावल जो है भीगने होते हैं, तो फिर मैंने यहाँ चावल अच्छे से वॉश करके भिगो दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और है ना इतना अब तो जो है ना चावल वगैरह में, दालों में, इनमें है ना इतना मतलब पाउडर सा निकलता है, इतना केमिकल लगा करके ये लोग देने लगे, तो तीन चार पानी से जो है ना चावल को मैंने वॉश किया और फिर चावल मैंने भिगो दिए थे। फिर यहाँ जो है ना उसके बाद मैं खड़ी हो गई थी, बिरयानी को मैंने बघार दिया था। बिरयानी की रेसिपी वही होती है, ऑयल डालिए, ऑयल गरम करिए, उसमें कुछ प्याज जो ब्राउन करके निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर से डाल के जो है ना सर्व करते हैं तो और खाते हैं तो बड़े अच्छे से लगते हैं, है ना। और जो सारे प्याज जो हम बनने में डाल देते हैं तो उससे जो एक अलग मीठापन आता है बिरयानी में, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैंने जो है ना आधे से ज़्यादा, मतलब समझ लिए 70% प्याज जो है मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे। उसके बाद जो है यहाँ जो कुछ प्याज और बचे थे उनको मैंने डाल के ब्राउन कर लिए, है ना ये इस तरीके से। और बड़ी गजब की ये बिरयानी बनेगी, आप बने रहिए व्लॉग में और पूरी रेसिपी देखिए, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह जब हम सब ने खाना खाया था ना तो बहुत अच्छा, मतलब टेस्टी जो है खाना बना था माशाल्लाह। मेरी अम्मी जो है ना नमाज पढ़ रही है जौहर की, यहाँ पर मेरी अम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है इसलिए अब वो है ना मतलब चेयर पे बैठ करके जो है नमाज अदा करती हैं, है ना। तो उसके बाद जो है ये भाभी है बड़ी वाली, वो यहीं पर बैठ के जो है ना सारा सामान जो है तैयार करके मुझे दे रही थी। और फिर यहाँ
ब्राउन करके प्याज निकाल लिए और जो हमारे थोड़े से प्याज थे वो इसमें डाल देंगे, वो हल्के लाइट ब्राउन हो जाए तब ये खड़ा गरम मसाला सारा हम इसमें डाल देंगे। खड़े गरम मसाले में वही होता हमारा, जीरा होता है, काली मिर्च होती है, लौंग होती है, तेज पत्ते होते हैं, है ना, दालचीनी होती है, हरी इलायची होती है, सारा सब कुछ। जब प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाल दिया है ना। और आज गर्मी इतनी थी, हवा चल रही थी, लेकिन एक अजीब सी जो है ना उमस थी, बादल तो हो रहे थे पर जैसे ना बारिश होने का लग भी रहा था लेकिन उमस सी हो रही थी। तो चलिए जी, ये ना छोटी वाली भाभी जो है ना दही और नमक और विनेगर में जो है ना चिकन को ऐसे रोस्ट करके, रोस्ट नहीं मैरिनेट करके सॉरी, चली गई थी है ना मार्केट। तो करीब 2-2.5 घंटे इस तरीके से आप है ना रखिए तो बड़ा अच्छा सा ये जो है ना पीसेस हो जाते हैं अंदर तक, इनमें दही का और नमक का टेस्ट चला जाता है। तो उसके बाद जो है ना हम फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा भुन जाए उसके बाद इसमें चिकन डाल दीजिए और इस तरीके से ना अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिए। और आज ये चलिए जी, मैं आपको जब तक चिकन भुन रहा है तो मैं दिखा देती हूँ मौसम। ये देखिए अभी मैं जब बोल रही थी और उसके बाद जो है ना जस्ट ये पानी, थोड़ा बहुत पानी, बारिश तो क्या इसको बोलेंगे, थोड़ा बस ये छीटा छाटी सी हो गई थी है ना, लेकिन इस तरीके से जो होता है ना मौसम तो उससे गर्मी और बढ़ जाती है। तो चलिए जी, हमारा चिकन भुन गई, चिकन की भुनाई हो गई अच्छे से। और उसके बाद जो है ना ये हरी मिर्च कटी हुई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और फिर से अच्छे से ना इसकी भुनाई कर लेंगे। और इसमें जो चिकन मसाला आता है बाजार का और धनिया और पाउडर, धनिया और सौंफ वाला जो एक आता है मार्केट में मसाला, वो सारा डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसमें डाल देंगे अपने चावल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके, जो है पानी जितना जाता है उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। और ये मेरी मोटू, मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, उसकी छोटी वाली ये बेटी है हूरिया, और ये भी आ गई थी अपनी खाला जान की हेल्प करने के लिए है ना। और मेरी अम्मी अंदर बैठी हुई थी क्योंकि क्या है कि हमारी भाभी के रिलेशन में भाभी लगती है, उनके पापा आए हुए थे शादी का कार्ड देने के लिए, तो अम्मी अंदर थी, नहीं तो मेरी अम्मी मेरे साथ जरूर लग जाती है ना। तो यहाँ पर जो है ना पानी बिरयानी का जो अखनी का पूरा खोल गया था, उसके बाद जो है ना हम ये चावल अच्छे से पानी इसका फंसा करके जो हमने भिगोए हुए थे इसमें डाल देंगे अच्छे से। और जब अच्छे से ये खोलने लगे पानी तो इसको ढक्कन को बंद कर देंगे है ना। और बस इसी तरह मैंने फिर आज बिल्कुल हल्की कर दी थी। और ये देखिए जो ये हमारी कशफ है, मेरी कशु छोटी सी, इसको ये इस तरीके के जो प्याज होते हैं ना बहुत इसको पसंद है, तो ये बस ये खाने के लिए आई थी। और ये देखिए इसे कितने अच्छे लगे, मजा आ गया इसको खा करके। ये देखिए आपने उसने थम अप ऐसे करके कर दिया। तो चलिए जी, थोड़ी देर बैठने के बाद बस फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ आगे का, ये इस तरीके से है ना पानी पूरा खुश्क जब हो जाए हमारा, फिर इसको लगा देंगे हम दम पे अच्छे तरीके से। ये कुछ भी सूती जो है ना कॉटन का इस तरीके से ले लें जिसमें कि भाप और पानी ऑब्जर्व हो जाए, इस तरीके से ये लगा करके। और ढक्कन मैंने यहाँ फिक्स कर दिया था, मेरा वर्क हो गया था डन बिरयानी बनाने का। तो बड़ी वाली भाभी फिर यहाँ बना रही थी क्योंकि 11वीं शरीफ की नियाज थी, तो ये मटन पे हमारे फातिहा लगती है क्योंकि बिरयानी तो जो है चिकन की बनी थी है ना। तो भाभी वहाँ सब्जी मतलब मटन बना रही थी और मेरी अम्मी लगी थी अब गुलगती बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले है ना जो है अम्मी ने क्या कहा, हाँ अम्मी ने जो है ना इसको जो खोया होता है ना उसको अच्छे से भून लेते हैं, उसको मतलब डार्क ब्राउन करना होता है एकदम से, उसके बाद उसमें काजू डल जाते हैं। उसके बाद ये मेरी सिस्टर की छोटी बड़ी वाली बेटी है वरीशा, ये नानी की हेल्प कर रही है। फिर शक्कर डाल देते हैं, शक्कर जब बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद जो है ना हमारे ये बॉइल्ड राइस जो होते हैं चावल, उसको हम ऐसे डाल देते हैं। चलिए जी, खाना जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गया था डन। फिर यहाँ शेमा जो है ना बैठ गई थी पुप्पी जान के मेहंदी लगाने, जैसे कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी प्यारी सी ये भतीजी है, बहुत अच्छी ये मेहंदी लगाती है, ये देख सकते हैं आप। अक्सर अक्सर नहीं, ऑलमोस्ट जो मेरे हाथ में मेहंदी होगी वो शेमा की लगी हुई होती है। इस लड़की को मेहंदी आती है, इस मोटू को, लेकिन ये बनाती नहीं है सुस्ती आती है। और इनके लग गई दो हाथ भी दिखा। ये है मेरा भतीजा बिलाल जो साइकिलिंग कर रहा था, तो ये थोड़ा गिर गया था, इनके थोड़ा थोड़ा जो है ना सब जगह छिल गया, तो पट्टी बांध के मेरा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर। और
फिर जो है ना उसके बाद आ गई थी मेरी भांजी है गुड़िया, माशाल्लाह मेरी जो बड़ी वाली आपा है ये उनकी बड़ी वाली बेटी है, ये इसकी गोद में इसका बेटा है, तो ये भी आ गई थी अपनी नानी के घर। और शेमा जब मेरी मेहंदी लगा रही थी तो फिर ये माशाल्लाह गुड़िया बहुत अच्छी बहुत 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 अच्छी मेहंदी ये भी लगाती है, तो फिर इसने शेमा को बोला कि लाओ शेमा है ना थोड़ी सी जो है ना खाला जान के मेहंदी मैं लगा देती हूँ। तो फिर इधर वाले हाथ में ना गुड़िया ने मेरे जो देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी अच्छी सी ये मेहंदी लगाई, जब ये मैं इनको इसको धोऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो बेटा मतलब इसका बेटा जो उमर है होती है बच्चों की ऐसी आदत, माँ जब फ्री होती है तो खेलते रहते हैं ना, और जब मम्मी जब किसी काम में लगती है ना तो बच्चे आ जाते हैं कि बस ये काम नहीं करो और जो है ना हमको गोदी में लेके बैठ जाओ, तो ऐसा ही कुछ उमर जो है ना यहाँ पर कर रहा था। तो चलिए जी खाना हो गया था डन और नियाज भी लग गई थी माशाल्लाह से है ना, मेरे भाई ने लगा दी थी और ये मैं मेहंदी दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ आके बैठी थी तो थोड़ी आस्तीन से ना मेरी मेहंदी बिगड़ गई थी। तो चलिए जी यहाँ पे अम्मी के साथ में बैठी हूँ, अब जो है ना आसपास जो पड़ोसियों के पड़ोसी जो हैं अम्मी के मतलब हमारे, तो वहाँ सबको जो है ना तकसीम करने के लिए यहाँ प्लेटें जो है ना अम्मी और हम बनाने लगे थे दोनों है ना, ये देख सकते हैं आप। और ये छोटे वाले जो है दोने जिनको बोलते हैं उसमें हमने मीठा रख दिया था, और ये बड़ी वाली जो प्लेट्स थी इसमें हमने पुलाव रख दिया था। और बच्चे जो बुलाए थे मासूम बच्चे जो मतलब खाना खाने के लिए, वो देखिए आप यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे माशाल्लाह से। और बस यही था और इसी के साथ मेहंदी मेरी सूख गई थी, मेरे मेहंदी धो ली और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है ना जो है ना मेहंदी का कलर आया है। अब तो खैर कोई शायद ही किसी के मेहंदी नहीं रचती हो क्योंकि मेहंदी में केमिकल इतने डलने लगे हैं कि बस इधर लगाओ और इधर धो लो और ये इतना अच्छा सा जो है ना प्यारा सा कलर जो है ना आ जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा यहाँ पर मेहंदी धो ली थी, उसके बाद खाना वगैरह हमने खा लिया था क्योंकि खाने वगैरह की जो दस्तरखान लगा हम सब ने जो खाना खाया, मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी और मैं खाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। चलिए जी तो बस फिर यहाँ जो है ना आज का हो गया था प्रोग्राम डन, और यहाँ मैं मेरी अम्मी को बोल रही थी कि बस अब चलें अम्मी जाने की जो है ना इजाज़त दें, सारा काम जो है हो गया था, बातें शाते हंसी मजाक की मेरी बड़ी वाली आपा बैठी हैं और ये देखिए जाते जाते भी बस है ना हंसी मजाक हम लोगों का चल रहा है, तो बस अब जो है ना घर जाने की रवानगी, तो बस उठ रहे हैं अब चल रहे हैं बस घर पे। और यहाँ पर जो है ना मेरी बड़ी वाली जो आपा बैठी थी तो ये बोल रही थी कि थोड़ा सा ना जो है ना मुझसे भी जो है दुआएं ले लो। और यहाँ पे फिर दशहरे जाने की चलने की बात हो रही थी कि दशहरे में जैसे घूमने के लिए कब चलना है, तो नेक्स्ट डे हमारा कन्फर्म था, सब पूरी हमारी फैमिली जाएगी दशहरे में देखने के लिए। और ये रास्ते में जब मैं अपनी मम्मी के घर से जब अपने ससुराल जाती हूँ तो रास्ते में से मेला है ना दशहरा इस तरीके से कुछ दिखता है, तो मैंने यहाँ पर भी जो आप लोगों को दिखाने के लिए क्लिप बना ली थी। तो मिलते हैं अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।